नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां आपको मिलेगी नैनो टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी। तो इस वीडियो को देखें अंत तक। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी अनुसंधान और नवाचार का एक क्षेत्र है जो चीजों के निर्माण से संबंधित है। आमतौर पर सामग्री और उपकरण परमाणु और अणु के पैमाने पर एक नैनोमीटर एक मीटर का एक बारवां हिस्सा होता है। हाइड्रोजन परमाणु के व्यास का 10 गुना मानव बाल का व्यास औसतन 80,000 नैनोमीटर होता है। ऐसे पैमानों पर भौतिकी और रसायन विज्ञान के सामान्य नियम अब लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए सामग्री की विशेषता, जैसे कि उनका रंग, ताकत, चालकता और प्रतिक्रियाशीलता नैनो स्केल और मैक्रो के बीच काफी भिन्न हो सकती है। कार्बन नैनोट्यूब चील से 100 गुना मजबूत लेकिन 6 गुना हल्का होता है। नैनो टेक्नोलॉजी ऊर्जा की खपत की दक्षता बढ़ाने, पर्यावरण को साफ करने में मदद करने और प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये काफी कम लागत पर विनिर्माण उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने में सक्षम है। नैनो टेक्नोलॉजी के उत्पाद छोटे, सस्ते, हल्के और कार्यात्मक होंगे और निर्माण के लिए कम ऊर्जा और कम कच्चे माल की आवश्यकता होगी, नैनोटेक अधिवक्ताओं का दावा है। नैनो टेक्नोलॉजी कैसे शुरू हुई? नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे के विचारों और अवधारणाओं को 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अमेरिकन फिजिक्स सोसाइटी की बैठक में भौतिकी विज्ञान रिचर्ड फेनमैन द्वारा डियर पेनल्टी ऑफ रूम एट द बॉटम शीर्षक से वार्ता में गढ़ा गया था। अपनी बात में फेनमैन ने एक प्रक्रिया का वर्णन किया कि भविष्य में वैज्ञानिक व्यक्तिगत परमाणुओं और अणुओं को हेर फेर करने और नियंत्रण करने में सक्षम होंगे। और वास्तव में एक दशक के बाद अल्ट्रा प्रेशर मशीनिंग के अपने अवशेषण में प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का निर्माण किया। आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1981 में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के आविष्कार और विकास के साथ हुई, जिससे एक एक परमाणु को देखा जा सकता है। फिर 1986 में एरिक ड्रेक्सलर ने अपनी पुस्तक इंजन ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें एक नैनो स्केल असेंबलर का विचार प्रस्तावित किया गया जो स्वयं और अन्य वस्तु की एक प्रति बनाने में सक्षम होगा। परमाणु नियंत्रण के साथ मनमानी जटिलता। 1986 में ड्रेक्सलर ने नैनो टेक्नोलॉजी अवधारणाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता समझ बढ़ाने के लिए दूरदर्शिता संस्थान की सह स्थापना की। उन्होंने अपने सैद्धांतिक उच्च दृश्यता प्रयोग की अग्रिमों और सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से एक क्षेत्र के रूप में उभारने वाले नैनो प्रौद्योगिकी को भी विकसित किया, जिसने नैनो प्रौद्योगिकी के लिए एक वैचारिक ढांचे को विकसित और लोकप्रिय बनाया और मामले के परमाणु नियंत्रण की संभावनाओं पर अतिरिक्त व्यापक पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया। नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो विज्ञान में मौलिक अवधारणाएं। एक नैनोमीटर एक मीटर का एक बिलियन है या 10 नैनोमीटर का होता है या 10 तथा 9 मीटर का होता है, इसलिए यह कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि नैनो टेक्नोलॉजी कितनी छोटी है। हालांकि यह एक उदाहरण है जो आपको यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि नैनो तकनीक कितनी छोटी है। एक इंच में 2,54,00,000 नैनोमीटर होते हैं। अखबार की एक शीट लगभग 1,00,000 नैनोमीटर होती है। नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस में व्यक्तिगत परमाणुओं और अणुओं को देखने और नियंत्रित करने की क्षमता शामिल है। पृथ्वी पर सब कुछ परमाणुओं से बना है। जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, हम जिन इमारतों और घरों में रहते हैं और हमारे शरीर ले परमाणु जितनी छोटी चीज को नग्न आँखों से देखना असंभव। वास्तव में उच्च विद्यालय विज्ञान कक्षाओं में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्मदर्शी के साथ परमाणु देखना असंभव है। नैनोस्कोप में चीजों को देखने के लिए आवश्यक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार अपेक्षाकृत लगभग 30 साल पहले हुआ। जैसे ही वैज्ञानिक के पास सही उपकरण आए, जैसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और परमाणु बल माइक्रोस्कोप, नैनो टेक्नोलॉजी का युग शुरू हो गया। यद्यपि आधुनिक नैनो विज्ञान और नैनो तकनीक काफी नए हैं, लेकिन नैनो स्केल सामग्री का उपयोग सदियों से किया जा रहा था। वैकल्पिक आकार में सोने और चांदी के कणों से बने रंग का प्रयोग मध्यकालीन चर्चों के ग्लास और खिड़कियों में हुआ था। तब कलाकारों को यह पता नहीं था कि कला के इतने सुंदर कामों को बनाने के लिए वे जिस प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं, वास्तव में वह उन सामग्रियों की संरचना में बदलाव ला रहे हैं
जिनके साथ वे काम कर रहे हैं, आज के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपनी संबंधित गुणों जैसे कि उच्च शक्ति, हल्के वजन, प्रकाश स्पेक्ट्रम के बढ़ते नियंत्रण और अपने बड़े पैमाने समकक्षों की तुलना अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता का लाभ लेने के लिए नैनो स्केल पर जानबूझकर सामग्री बनाने के लिए कई तरीके खोजे हैं। मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं। हालांकि अन्य लोग उतने ही सतर्क हैं जितने की माली उत्साही हैं। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द गढ़ने वाले वैज्ञानिक एरिक ड्रेक्सलर ने बेहद शक्तिशाली, बेहद खतरनाक तकनीक विकसित करने की चेतावनी दी है। अपनी पुस्तक इंजन ऑफ क्रिएशन में कल्पना की कि मनुष्य द्वारा बनाए गए स्वयं प्राकृतिक अणु हमारे नियंत्रण से बच सकते हैं। यद्यपि यह सिद्धांत को क्षेत्र में शोधकर्ताओं द्वारा व्यापक रूप से बदनाम किया गया है। मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर नैनो प्रौद्योगिकी के प्रभावों के साथ साथ उत्तर दक्षिण विभाजन पर नए प्रयोग के प्रभाव के बारे में कई चिंताएं बनी हुई हैं। कार्यकर्ताओं को चिंता है कि नीति निर्माताओं द्वारा उचित नियामक उपायों को विकसित रखने की तुलना में नैनो प्रौद्योगिकी का विज्ञान और विकास तेजी से प्रगति करेगा। वह कहते हैं कि जोखिम और लाभों के बीच संतुलित निर्धारण करने के लिए एक सूचित बहस होनी चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में एक उपकरण के रूप में पहले से ही उपयोगी है। जनवरी 2005 में यूएस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिकल चिमटी का प्रयोग किया। छोटे कांच के मोतियों के जोड़े को एक साथ लाया जाता है या लेजर बीम का उपयोग करके अलग किया जाता है। मलेरिया परजीवी से संक्रमित लाल रक्त कोशिकाओं की लोच का अध्ययन करने के लिए यह तकनीक शोधकर्ताओं को समझाने में मदद कर रही है कि मलेरिया शरीर में फैलता है। नैनो टेक्नोलॉजी उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार। नैनो टेक्नोलॉजी के फायदे को देखते हुए इसकी क्षमता का दोहन करने और इसके लाभ उठाने की होड़ जारी है। कई सरकारों का मानना है कि नैनो उद्योगों की उत्पादकता और धन का एक नया युग लाएगी और ये पिछले दशक के दौरान नैनो प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि से परिलक्षित होता है। 2002 में जापान इस क्षेत्र को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष समर्पित कर रहा था, जो 1997 के आंकड़े पर 6 गुना वृद्धि थी। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने भविष्यवाणी की है कि नैनोटेक आधारित उत्पादों का वैश्विक बाजार 15 वर्षों के भीतर यूएस 1 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। ब्रिटिश नीति के अनुसंधान संगठन डोमेश के वरिष्ठ शोधकर्ता पाल मिलर ने 2002 में कहा था कि पहले ही अमेरिका में सबसे बड़ी वैज्ञानिक आधारित फार्मों के अनुसंधान बजट का लाभ एक तिहाई नैनोटेक में जा रहा है, जबकि यूएस नेशनल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का बजट 1997 में 116 मिलियन से बढ़कर 2004 में 849 मिलियन का अनुरोध किया गया। कैसे नैनो तकनीक दवा वितरण में सुधार कर सकती है? नैनो तकनीक से एक दिन दवा वितरण के लिए सस्ती, आधुनिक, विश्वसनीय प्रणाली बन सकती है। उदाहरण के लिए नैनो स्केल पर निर्मित सामग्री अनकैप्सुलेशन सिस्टम प्रदान करती है, जो संलग्न दवाओं को धीमी और नियंत्रित तरीके से सुरक्षित और स्रावित करती है। उन देशों में एक मूल्यवान समाधान हो सकता है जिनके पास पर्याप्त भंडारण सुविधाएं और वितरण नेटवर्क नहीं है, और जटिल दवा आहार पर रोगियों के लिए जो चिकित्सा यात्रा के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए समय या पैसा नहीं दे सकते। उर्वरकों में फसलों और नैनो कणों पर नैनो सेंसर का उपयोग करना, छोटे सेंसर फसलों और पशुओं पर रोगजनकों की निगरानी के साथ साथ फसल उत्पादकता मापने की संभावना प्रदान करते हैं। इसके अलावा नैनो कणों से उर्वरकों की दक्षता में वृद्धि हो सकती है। हालांकि स्विस बीमा कंपनी सिरवरे ने 2004 में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि वे संभावित जहरीले पदार्थों जैसे उर्वरक की मिट्टी की गहरी परतों में घुसने और अधिक दूरी तक यात्रा करने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी। नैनो बायोटेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और नैनो बायोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के हिस्से हैं। बायो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी हाल में ही उभरा है।
जो विभिन्न संबंधित तकनीकों के लिए कंबल की शर्तों के रूप में कार्य करता है। जब विज्ञान के लिए यह तकनीक दृष्टिकोण वैज्ञानिकों को जैविक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियों की कल्पना करने और बनाने की अनुमति देता है। जैविक रूप से प्रेरित नैनो तकनीक जैविक प्रणालियों का उपयोग करती है क्योंकि अभी तक नहीं बनाई गई प्रौद्योगिकी के लिए प्रेरणा। हालांकि टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ बायोनेक्नोलॉजी में भी इससे जुड़े कई संभावित नैतिक मुद्दे हैं। उद्योगों में नैनो प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी को इस सदी में प्रौद्योगिकी और व्यवसाय का मुख्य चालक होने का अनुमान है और समाज के सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ उच्च प्रदर्शन सामग्री, बुद्धिमान प्रणालियों और नए उत्पादन के तरीकों का भी वादा करता है। नैनो टेक्नोलॉजी उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र प्रभावित कर रही है। इसमें कई तरह के आइटम और उत्पाद शामिल हैं जिसमें नैनो मटेरियल शामिल है और जो लोग इन उत्पादों का उपयोग करते हैं वह भी नहीं जानते इसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं। कुछ उदाहरण हैं आसानी से साफ करने से लेकर खरोंच प्रतिरोधी तक के उपन्यासों कार्यों वाले कुछ उदाहरण निम्न हैं। इसने कार बम्पर को हल्का बना दिया। कपड़ों को अधिक दाग से उभारने वाला अधिक विकिरण प्रतिरोधी है। सनस्क्रीन अधिक विकिरण प्रतिरोधी है। सिंथेटिक हड्डियां बहुत मजबूत हैं। सेल फोन की स्क्रीन हल्के वजन की है। पेय के लिए कांच की पैकेजिंग लंबे समय तक शेल्फ जीवन की ओर ले जाती है और विभिन्न खेलों के लिए गेंदें बनाई जाती है। ज्यादा टिकाऊ नैनोटेक का उपयोग करते हुए मध्य अवधि के आधुनिक वस्त्रों में स्मार्ट बन जाएगा। एम्बेडेड पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इस तरह के उपन्यास उत्पादों में विभिन्न उत्पादों में विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र के लिए आवश्यक जनक क्षमता है और भारी उद्योग में कई संभावित अनुप्रयोग हैं। युद्ध में नैनो तकनीक नैनो साइंस और तकनीक की एक शाखा है जिसमें आणविक प्रणालियों को नैनो स्केल फिट करने के लिए एक डिजाइन उत्पादन और बनाया जाता है। निष्कर्ष: नैनो तकनीक कई नई सामग्रियों और उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम हो सकती है जिसमें अनुप्रयोगों की एक विशाल श्रृंखला जैसे नैनो मेडिसिन, नैनो इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेट्रिक्स, ऊर्जा उत्पादन और उपभोक्ता उत्पाद शामिल हैं। दूसरी ओर नैनो टेक्नोलॉजी किसी भी नई तकनीक के समान ही कई मुद्दों को उठाती है जिसमें नैनो मटेरियल के विषाक्तता और पर्यावरणीय प्रभाव और वैश्विक अर्थशास्त्र पर उनके संभावित प्रभावों के साथ साथ विभिन्न प्रलय के दिनों के बारे में अटकलें शामिल हैं। इन चिंताओं के वकालत समूहों और सरकारों के बीच एक बहस को जन्म दिया है कि क्या नैनो तकनीक के विशेष विनियम को वारंट किया गया है। विभिन्न वर्तमान में वैज्ञानिक नैनो प्रौद्योगिकी के भविष्य के प्रभावों पर बहस कर रहे हैं। उन्हें नैनो टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए काम करना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।